I have added these tools in my skincare routine and I got them from Meesho. Guess what? I got this from Meesho in just rupees 370. I really wanted to buy these tools since very long time as pure ke pure YouTube में फेशियल ब्यूटी टूल प्रोडक्ट में ये ओवर हाइप प्रोडक्ट है, बट आई वॉज इन कन्फ्यूजन कि मैं जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट परचेज करूँ या फिर ये वाला जो प्रोडक्ट है जो कि रेडीली अवेलेबल है रीजनेबल रेट में हर एक शॉपिंग वेबसाइट में. सो फाइनली आई डिसाइडेड टू गो एंड परचेज दिस वन फ्रॉम मीशो. मीशो जो है मेरा फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और इससे बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी हो सकती है अगर आप इसे अच्छे से एज अ रीसेलर यूज़ करना चाहें तो. लिंक जो है इसकी डिटेल्स में मीशो के बारे में सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ जाके चेकआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. एंड येस, दिस इज़ द ड्यूपन एंड नॉट द ओरिजिनल. येस, वट इज़ ओरिजिनल? ओरिजिनल मीन्स अकॉर्डिंग टू मी जो कि मार्केटिंग वाले हैंडल करते हैं एंड आपको बताते हैं लाइक ओवर प्राइस, बहुत सारे मोटे दामों में आपको जो परचेज कराया जाता है एकदम अच्छी प्रीमियम वाली फीलिंग के साथ, उसे हम ओरिजिनल कहते हैं. एंड जो रेडीली अवेलेबल है बिल्कुल ऐसी ऐसी पैकेजिंग के साथ, उसे हम ड्यूप कहते हैं. सो अलाउ मी टू गिव जेन्युइन रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट. सो कमिंग टू द पैकेजिंग, पैकेजिंग आप देख सकते हो. इसके साथ मुझे मिला है ये वाला जो मैनुअल है वो, जो किसी काम का नहीं है क्योंकि इसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो काफ़ी वियर्ड है और बिल्कुल प्रोडक्ट से मैच नहीं करती है, तो ये मेरे लिए फालतू है. और इस तरीके से मुझे रिसीव हुआ था ये वाला प्रोडक्ट, इसको अच्छे तरीके से सेलो टेप से इसे टाइटली सिक्योर किया गया है ताकि जो स्टोन है बिल्कुल भी इधर उधर से होके टूटे नहीं. यस, दिस इज़ ब्रेकेबल. और ये वाला जो ये वाला प्रोडक्ट है क्योंकि इजीली बाहर आ गया, तो ये वाला जो है टूल आप देख सकते हो कि एकदम रेप्लिका है रियल वन का. और ये वाला जो हेड है और ये वाला हेड है एंड ये स्टिक, ये जेड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जेड जो होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी होता है एंड कूल भी होता है. खैर ये कूल है, शाइनी बिल्कुल भी नहीं है. इसे देख करके मुझे जो फीलिंग है वो आ रही है जो किचन के प्लेटफॉर्म में हम यूज़ करते हैं ना मार्बल, उसकी वाली, तो ये डेफिनेटली मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है. एंड कमिंग टू द पॉइंट व्हाई आई परचेज्ड दिस वन एंड व्हाई आई एम हैप्पी विद दिस वन, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगा, बजट फ्रेंडली लगा. एनीवेज अगर मैं रियल जेड रोलर भी परचेज़ करती तो उसके साथ भी मुझे फेशियल ऑयल्स जो हैं मुझे वो यूज़ करना ही पड़ता. एंड अगर मैंने इसे लाइक दिस इज़ मार्बल, क्योंकि इसे मैं पकड़ रही हूँ तो मुझे कूलिंग जो सेंसेशन है वो हो रही है, जो कि एक मार्बल है वो भी नेचुरल स्टोन ही होता है, नेचुरली अवेलेबल. तो ये जो है इसका शेप काफ़ी अच्छा है एंड इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो ब्रास जिसे ओरिजिनल होना चाहिए था मगर ये ब्रास नहीं है, जगह जगह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका कलर जा रहा है, बट दैट इज़ ओके क्योंकि रियल जेड वाले के साथ जो आपको रिसीव होता है मैनुअल उसमें भी लिखा था कि इसे रनिंग वाटर के नीचे आप क्लीन नहीं कर सकते हो. एनीवेज इसे भी नहीं कर सकते हो, इसे सिंपली आपको वाइप करना है. एंड अगर आपको फेशियल ऑयल यूज़ करना ही है तो बेटर टू कीप दिस इन द फ्रिज इन अ चिलर ट्रे तो सो दैट कि ये जो है और ज़्यादा कूल हो जाए. देन यू कैन ईजिली परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मसाजिंग लाइक जो आप जेड रोलर के साथ मसाज करते हो इसके साथ भी आप इजीली कर सकते हो क्वाइट अफोर्डेबली एंड ईजिली. ये सबकी रीचेबल है तो इट्स माई फेवरेट. सो आप इसको देख सकते हो, इसका फेस जो है उसके अकॉर्डिंग ये इसका साइज है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसको आप एंड इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपनी ब्यूटी रूटीन में, आपका स्किन केयर रूटीन में, जो नाइट स्किन केयर है, डे स्किन केयर, आपको जब भी यूज़ करना है आप इसको इजीली कर सकते हो. और यस, ये मार्बल है, नेचुरली अवेलेबल है, तो मेरे लिए ये जितना जेड प्रीशियस है उतना ही ये है. जेड भी जो है वो ब्रेकेबल है, ये भी है, ये भी ब्रेकेबल है, तो आपको दोनों की जो हैंडलिंग है वो टोटली जो है वो सेम रहेगी. तो ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट. और कमिंग टू द नेक्स्ट वन जो कि ये वाला है, तो ये वाला जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इसका शेप, इसको मुझे क्वाइट आवाज़ हो रही है, सो सॉरी. लेकिन जो ये वाला प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये जो हार्ट शेप वाला पार्ट है एंड देन इसका जो ये कर्व है ये काफ़ी अच्छा है इस तरीके से, तो आपको फेशियल मसाज करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा. अगर फेस के साथ दिखाऊं तो ये कुछ इस साइज़ का है, पैक सा दिख रहा है मुझे, और ये बिल्कुल बहुत सारे इसमें स्क्रैचेस हैं. इसको नॉर्मल इसका जो
जैसे होना चाहिए प्रीमियम प्रोडक्ट में वैसा नहीं है, बिल्कुल भी शाइनी नहीं है। जो ये नॉर्मल किचन की स्लैब होती है ना, उस तरीके का दिख रहा है मुझे पूरे पैकेजिंग में। इसमें और इसमें मिला करके मुझे ये वाला जो है बहुत अच्छा लगा। इसे मैंने 2 डे यूज़ कर लिया है क्योंकि पैकेजिंग में ये इजीली अवेलेबल बाहर आ गया था, एंड ये मुझे बहुत समय से यूज़ करना था। मुझे ये अच्छा लगा, मुझे सच में अच्छा लगा। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ आइस रोलर। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा स्टूडेंट्स के लिए एंड वो लोग जिनके जो कि पूरे दिन कंप्यूटर में काम करते हैं। है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है, इसमें बिल्कुल कहीं पर भी किसी भी तरीके की लेबलिंग या ब्रांडिंग नहीं की गई है। ये वाला जो इसका हैंडल है, ये बिल्कुल भी फ्रोजन फ्री नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो इसे आप कभी भी फ्रीज़र में नहीं डालेंगे। इसका हेड है, ये जाएगा आपका फ्रीज़र में। इसके अंदर जो है छोटे छोटे जेल भरे हुए हैं, आप देख सकते हो कि ये अभी प्रेस हो रहा है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर जो जेल है वो एक बार अच्छी तरीके से जम जाएगा ना, देन ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं होगा। ये इसके अंदर की जो कूलनेस है वो 20 मिनट्स तक रहती है, बहुत अच्छी है। एकदम चिल्ड वाला कूल नहीं होगा ये बिल्कुल भी, ये नॉर्मल कूल होगा। फेस में हम इसलिए आइस अप्लाई करते हैं ताकि वो फेशियल मसल को काफ़ी जो टेंशन वाला जो हो जाता है ना, उसको कूल डाउन करे, एंड जो मसल्स है, टिश्यूज़ है, वो अच्छे तरीके से रिलैक्स हो। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है स्टूडेंट्स को, एंड वो लोग जो कंप्यूटर में पूरे दिन काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑफकोर्स आप जब स्टूडेंट हो, आप नहीं चाहोगे कि आपके बुक्स में, आपकी कॉपीज में, या फिर टैब में, या फ़ोन में वाटर ड्रिप होकर के गिरे, राइट? तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये आप इजीली परचेज कर सकते हो। 20 मिनट तक जो है इसकी कूलिंग रिटेन होती है, अगर आपने इसको 12 आवर्स फ्रिज में रखा है तो डेफिनेटली आप इसको 12 आवर्स ज़रूर रखिए। इसके मैनुअल में लिखा है 15 मिनट्स, बट 15 मिनट में आप ट्रस्ट में ये नहीं जमता है। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गुआ श्वा, मुझे वो चाहिए था, दैट्स वाई आई परचेज दिस वन। दिस इज़ रियल गुड पैकेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया है, और ये वाला जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये मुझे रियल जेड जैसा लगा। अगेन इसके साथ कोई मुझे ऑथेंटिसिटी वाला जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आया है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये रियल है या फेक वन है, बट इसका शेप और इसका शाइन, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कर्व जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। अब मैं लाइट को इस तरह से घुमा रही हूँ, आपको कहीं पर भी इसमें स्क्रैच नहीं दिखेगा। एंड अगेन ये वाला भी है, ब्रेकेबल है, तो यू हैव टू हैंडल विथ केयर। मटेरियल आप देख सकते हो दोनों कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। ये नॉर्मल ग्रेनाइट वाला जो मार्बल वाला पत्थर होता है ना, वैसा है, और ये वाला आई डोंट नो, ये भी ये रियल जेड हो आई होप। तो है इजीली मेरे लाइक इस तरह से मैं इसे मसाज कर सकती हूँ नॉर्मल। इसका जो ये वाला हेड है, जो हम फिंगर से जो मसाज करते हैं उसी तरीके से मुझे ये वाली, इसके साथ जो है ये वाली फीलिंग आई। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड इसको आपकी जॉ लाइन, आपके चीक बोन्स, आपके जो नॉर्मल टेम्पल्स है, आपके आईब्रोज है, इन सबको मसाज करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल लगा, एंड आई एम रियली फैन ऑफ दिस वन। तो ये मैं डेली अब यूज़ करती हूँ, एंड आई फेल इन लव विद। तो इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये भी मैंने जो है मीशो से ही परचेज़ करा है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे आज जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाए, जेड रोलर एंड गुआ श्वा, तो वो जो है उसको आपको यूज़ करना है फेशियल ऑयल के साथ। तो मैंने प्रीमियम वाले फेशियल ऑयल्स भी नहीं यूज़ करा है, मैं नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र, मसाजिंग क्रीम जो नाइट रूटीन के लिए नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ कोकोनट ऑयल जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके बिफोर एंड आफ्टर, 30 डेज़ यूज़ करने के बाद कैसा है, तो आपको वैसा ही सेम टू सेम रिव्यू मुझसे भी मिल जाएगा। मेरा स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, नॉर्मल स्किन टेक्सचर है, बट मेरी जो लाइक एजिंग प्रोसेस है, जो फाइन लाइन्स, अपेयरेंस एंड ऑल, ये सब चीज़ें एज के साथ सबको आती हैं, तो मुझे भी वो प्रॉब्लम्स हो ही रही थी। तो इसीलिए मैंने स्किन केयर रूटीन में जो है कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट, या फिर कह सकते हो कि सीख करके मैं उसको और बढ़ा रही हूँ, और वही चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। डेफिनेटली इसको मैं 1 मंथ यूज़ करने के बाद अगेन इसका कैसा रिजल्ट है मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, टिल देन बी ब्यूटीफुल, बी सेफ, एंड यस, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।